अगस्त ये वो तारीख है जो भारतवासियों को उस दिन की याद दिलाती है जब भारतवासियों ने आजादी की खुली हवा में सांस ली। इसलिए इस दिन को पूरा देश जश्न के रूप में मनाता है। लेकिन अगर आजादी के पीछे व्यक्ति के छिपी वास्तविक चाहना को देखें, तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति वास्तव में दुख और अशांति की गुलामी से आजादी चाहता है। वो हर पल सुकून से गुजारना चाहता है। तो ऐसा क्या है जिसकी गुलामी से व्यक्ति दुखी और अशांत है? आज है हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिवस, क्योंकि यह पुण्य दिवस है। हमारे प्यारे बापू गांधी जी ने हमारे इस भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त किया, तो ये हमारी आज़ादी का दिन है। अब हम आज़ाद हैं, हम किसी के भी बंधन में नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन रुकिए रुकिए, आप सोचिए कि आप अभी तक बंधन मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं सुना आपने बराबर? मैं कह रही हूँ आपको कि आप अभी बंधन मुक्त नहीं हुए हैं। पता है आपको आप किस बंधन में बंधे हुए हो? अब जो हमारा बंधन है वो किसे भी दिखता नहीं, और जब दिखता है तो वो बड़ा अशांति और झगड़ा करा देता है, हमें भी दुख देता है, अन्य को भी दुख देता है। अच्छा भला वो बंधन कौन सा है? बंधन तो अनेक प्रकार के होते हैं। सुख के बंधन भी होते हैं जो स्नेह के होते हैं, परंतु यह जो बंधन, जिस बंधन की मैं आपको अभी बात बताने जा रही हूँ, वो बंधन है हमारे अंदर के ईगो का बंधन, हमारे अंदर के बुरे स्वभाव का बंधन, हमारी कई बुरी आदतों का बंधन, हमारे अंदर उठने वाले क्रोध का बंधन, हमारा मोह का बंधन, हमारे अंदर समाने की शक्ति न होने के कारण, और हम अपने दिल की बातें जो हमें कहीं किसी के भी बीच नहीं बोलनी चाहिए वो हम बोल देते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के बंधन, ठीक उसी प्रकार कई आदतें, जैसे बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स लेना, शराब पीना, या कई प्रकार की ऐसी बुरी आदतें, जिन बुरी आदतों से इंसान अपना ईमान छोड़ देता है, अपनी प्रामाणिकता छोड़ देता है, अपने स्नेह संबंध को भी तोड़ देता है, और घर में ही अपने ही घर में चोरी करता है, अपने ही सदस्यों के साथ मारपीट करता है। तो अभी आपको समझ में आया कि मैं किस बंधन की बात कर रही हूँ? आज भी हमारे देश के अंदर तेरा मेरा का झगड़ा खूब चलता है, जाति का झगड़ा, किसी स्थान के लिए झगड़ा, किसी मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा। परंतु इन सभी बातों से हमें मुक्त कौन करेगा? हम समझते भी हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, परंतु अफसोस की बात यह है कि हम सशस्त्र नहीं हैं, हम सशक्त नहीं हैं, हमें वो ट्रेनिंग नहीं मिली है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, जिन शक्तियों के, गुणों के अस्त्र शस्त्र से हम इन सभी बुराइयों से, इन सभी कमजोरियों से और इन सभी बुरी आदतों से स्वयं को मुक्त कर सकें, व्यक्तिगत जीवन भी मेरा सुखी हो, शांत हो, मेरा परिवार भी मेरे द्वारा सुखी हो, परिवार में मेरे द्वारा शांति हो, परिवार में भी कोई लड़ाई झगड़ा न हो, परिवार के सभी सदस्यों से मेरा स्नेहपूर्ण संबंध हो, एक दो को सुख दुख की, शांति की लेन देन करते रहें, और ठीक इसी प्रकार समाज में और राज्य में भी और हमारे देश के अंदर भी होने वाले जो भी छोटे बड़े झगड़े हैं, उन सभी झगड़ों को हम खत्म करें। तो ये सारे बंधन कौन मिटाता है? जो प्यारे बापू के भी बापू हैं,
जो सच्चे बापू हैं सारी विश्व की आत्माओं के, वो हैं परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तो वो बेहद का बापू हमें आकर के वह शक्ति प्रदान करता, ईश्वरीय ज्ञान देता, राजयोग सिखाता और हमें स्वतंत्र करता है। विकारों की गुलामी से सदा आजाद रहने का संकल्प करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन परिसर में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तिरंगा फहराया और ईश्वरी मिशन में सहयोगी बनकर राम राज्य लाने का आह्वान किया। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, महासचिव बी के निर्वैर भाई, अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रज मोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बी के मुन्नी दीदी, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय भाई, उड़ीसा से सांसद शर्मिष्ठा सेठी समेत संस्था के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। भारत देश का इस समय जो गौरव सारे संसार में है, ये और ऊंचा होता जाए, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। हम जो आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं आजादी से, वो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का, उनकी शहादत का ही फल है। ब्रह्मा कुमारी के जो भाई और बहनें हैं वो विश्व में कामना से इंडिपेंडेंस देने के लिए, विकारों से इंडिपेंडेंस देने के लिए अपना कदम बढ़ा चुके हैं। अभी हम सबको उनके साथ चलना है। दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है।